हर फ्रेंड बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 10:45 बजे से और आ चुकी हूँ मैं अपनी दुकान में। और जैसे ही मैंने सोचा ब्लॉग की रिकॉर्डिंग शुरू करूँ और लाइट चली गई है। सुबह ही सुबह इतनी तेज़ गर्मी हो रही है कि बस पसीना आना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं अब कटिंग करने जा रही थी ट्राउज़र सूट की, जिसमें मैंने सोचा चलो आपके साथ में शेयर करूं कि जब हम ट्राउज़र सूट की कटिंग करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ अगर हमें ट्राउज़र की कटिंग करनी होती है तो फिर हमें नाप किस तरह से लेना होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे हैं जिनको ट्राउज़र की नाप लेना नहीं आता है और साथ ही साथ उसकी कटिंग में भी उनको दिक्कत होती है, जिससे कि जो बीच से हमारी गिदरी की सिलाई होती है वो ऊपर की तरफ खिंचती है, खिंचाव आता है और आसन जो होता है हमारा वहाँ पर भी खिंचाव आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में यही शेयर करूँगी। और ये है पूरा हमारा जो कुर्ती का फैब्रिक है और इसके साथ में ये हमारा ट्राउज़र का फैब्रिक है, ये देखिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको नाप का बताती हूँ कि हमें इसमें किन किन नापों की ज़रूरत होती है, क्योंकि कटिंग करने से पहले हमें जो उसकी नाप होती है वो सही से लेनी ज़रूरी होती है। जब तक हमारी नाप ठीक नहीं होगी तब तक हम कटिंग नहीं कर पाएंगे। और फिर कटिंग करने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। खासकर हम अगर ट्राउज़र बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कटिंग उसकी इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सी कटिंग है, मतलब सिंपल सी कटिंग है उसकी, लेकिन बस उसमें नाप लेने में ध्यान रखना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जब हम उस पर मार्किंग करते हैं तब हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें जो मेज़रमेंट है वो कैसे लेनी होती है। अभी मेरे पास कोई और तो है नहीं, तो मैं आपको अपना ही नाप लेके बताती हूँ कि हमें अगर खुद का नाप लेना होता है तब हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो मैं यहाँ पर कैमरे को ठीक से सेट करती हूँ। अभी देखिए यहाँ पर हमारा कैमरे का फोकस आ चुका है और नाप को किस तरह से लेना है। तो देखिए यहाँ से रखेंगे हम, जहाँ से हम बांधते हैं इसको, और जितनी भी आपको लेंथ चाहिए, तो इंची टेप को मैं इस तरह से उल्टा करके पकड़ रही हूँ, और जितनी लेंथ हमें चाहिए तो कस्टमर को जितनी लेंथ चाहिए उनको बोलिए कि वो वहाँ पर पकड़ें। और इस तरह से इंची टेप को देखिए यहाँ से लेके जहाँ तक आप देख रहे हैं इंची टेप हमारा नीचे तक आ रहा है, इस तरह से चाहिए। अब मैं पहनती हूँ फुल लेंथ में, पूरा एंकल तक यहाँ तक, और किसी कस्टमर को चाहिए होता है ऊपर तक। तो जहाँ पर भी उनको कस्टमर को लेंथ चाहिए वहाँ तक आप उनको बोलिए और इस तरह से रखिए। तो देखिए मैं एंकल लेंथ तक पहनती हूँ, नीचे तक बिल्कुल, तो मेरे यहाँ पर आ रहा है 36 इंची। तो पहला नाप तो हमारा ये हो गया लंबाई का, जहाँ तक कस्टमर पहन बांधते हैं वहाँ से लेके नीचे तक जितनी लेंथ उनको चाहिए, पहला नाप हमारा ये हो गया। तो ये लेंथ का नाप हो गया। अभी देखिए दूसरा नाप जो हम लेंगे वो इस तरह से इंची टेप को इस तरह से घुमाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए। तो कमर को इस तरह से लेना है इंची टेप को पकड़ते हुए, तीन उंगलियां हमारी अंदर की साइड रहेंगी, इस तरह से पकड़ेंगे। और जितना भी उनको लूज चाहिए, टाइट चाहिए, तो दूसरा नाप हो जाएगा हमारा कमर का। तो हमारा यहाँ पर आ रहा है 27.5 इंची, लंबाई हमारी 36 इंची हो गई, कमर हमारी हो गई 27.5 इंची। दो नाप हो गई हमारी, तीसरी नाप हमें चाहिए होगी हिप की। तो हिप का हमारा नाप ये आता है, जो हमारा सबसे कमर से लेके नीचे तक का जो हिस्सा होता है ये हमारा हिप का आता है। तो यहाँ से जहाँ से हमारे चाकूपन होते हैं इंची टेप को पूरा घुमाएंगे इस तरह से, और इस तरह से पकड़ेंगे तीन उंगलियां अंदर की तरफ रखते हुए, और ना ज़्यादा टाइट रखना है ना ज़्यादा लूज रखना है। तो देखिए इस तरह से नापेंगे तो मेरे मेजरमेंट में 34 इंची आ चुका है। तीन नाप हो गए हमारे, लंबाई का, कमर का और हिप का। इसके बाद में तीसरा नाप, चौथा नाप जो आता है वो हमारा आ जाता है ये थाई का, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पर हमें इंची टेप को इस तरह से लेना है, यहाँ से घुमाएंगे और देखिए यहाँ तक लेके आएंगे और इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करेंगे, ये हमारा चौथा नाप हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से 19 इंची आ रहा है, लेकिन नाप आपको ऐसे नहीं लेना है, नाप को लेना है आपको इस तरह से फोल्ड करके, इस तरह से घुटने को आप बोलिए कस्टमर को इस तरह से फोल्ड करके रखें। तो यहाँ पर 19 इंची आ गया, इतना नाप हो गया हमारा। अभी जो नेक्स्ट नाप होगा वो हमारा होगा घुटने का। तो अभी देखिए इसी तरह से इंची टेप को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से लेंगे इस तरह से, यहाँ रखेंगे। अगेन हमें कस्टमर को इस तरह से नाप नहीं लेना है, हमें इस तरह से बोलना है ऐसे करके, जितना भी उनको कंफर्टेबल होगा उतना बोलेंगे। तो यहाँ पर मेरा 14 इंची आ रहा है, तो ये नाप हो गई हमारी। इसके बाद में नेक्स्ट नाप जो आता है वो हमारा मोहरी का होता है। तो मोहरी हर कोई अपने अपने पसंद से पहनता है। अभी देखिए मैं मोहरी का नाप लेना आपको बताऊंगी। तो ये चीज़ होती है हमारी मोहरी, यहाँ से लेके ये हमारी मोहरी होती है। अभी इस तरह से नाप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बाकी आप कस्टमर को बोलिए इस तरह से इंची टेप को हम फोल्ड करेंगे। तो नॉर्मली हमारी मोहरी आती है 5.5 इंची, तो 5 इंची से कम मत लेना, क्योंकि अगर 5 इंची से कम आप लेंगे तो यहाँ पर आपकी मोहरी टाइट हो जाएगी।
और देखिए यहाँ पर मैं 5.5 ले रही हूँ, तो यहाँ पर हमारा 11 इंची इस तरह से आ जाएगा। तो कंफर्टेबल मैं जो पहनती हूँ वो इस तरह से 5.5 की मोहरी पहनती हूँ। तो इस तरह से हमारा नाप यहाँ पर हो चुका है, अभी चलते हैं इसकी कटिंग करने। तो मैंने आपको ट्राउज़र का नाप लेना बता दिया है कि किस तरह से हमें उसका नाप लेना है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। लंबाई का नाप लेना है, कमर का नाप लेना है, हिप का लेना है, थाई का हो गया, घुटने का हो गया, मोहरी का हो गया। तो ये सारी नाप आपको कस्टमर से पूछ के ले लेनी है और नोट कर लेनी है। अभी कटिंग के टाइम पर हमें किन बातों का ध्यान रखना है, चलते हैं हम अपने कटिंग काउंटर पर। इसको सेट करते हैं कपड़े को डबल में फोल्ड करते हुए, फिर मैं आपको इसको कटिंग करने का तरीका बताती हूँ, जिससे कि आपकी कोई भी गलती नहीं होगी, बहुत परफेक्ट आपकी ट्राउज़र पैंट बन के तैयार होगी। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से लेना, यहाँ पर मैं अपने मेजरमेंट से बताऊंगी। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताना मत भूलिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो फटाफट से मैं कैमरे को सेट करती हूँ और फिर मैं बताती हूँ इसकी हमें कटिंग किस तरह से करनी है। और गर्मी बहुत सारी हो रही है, पसीने पसीने हो रहे हैं, देखते हैं कैसा मौसम रहने वाला है। फिलहाल के लिए तो मौसम थोड़ा सही है, चलते हैं हम इसको फटाफट से सेट करते हैं। तो अभी देखिए कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये हमारी क्रिज वाली साइड है, जो हमारी किनारी होती है, ये हमारी खुली साइड है, ये हमारी बंद वाली साइड है। तो अभी कपड़े को हमने इस तरह से सेट किया है क्योंकि हमें सबसे पहले फ्रंट पार्ट कट करना है। अभी कट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए जब भी हम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं ना, तो ये जो किनारी वाला हिस्सा होता है इसको हमें नहीं लेना होता है। तो किनारी वाला हिस्सा जब हम लेते हैं तो हमारी जो वो होती है वो ऊपर की तरफ खिंचती है, ये यहाँ से किनारी को निकाल देना होता है। तो पूरे पे मैं निशान लगा दे रही हूँ किनारी हटा के, और जो भी हमें मार्किंग करनी है वो इसी किनारी के इधर की साइड से करनी है। अभी देखिए मेरे मेजरमेंट में जो इसकी नाप आ रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। नाप लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए टोटल लेंथ हमारी 38 इंची आएगी, कमर हमारी 38 है, हिप हमारा 40 है, थाई हमारा 21.5 है, घुटना 17 है, मोहरी हमारी 6 इंची है। तो इसी मेजरमेंट में यहाँ पर इसकी वो ड्राफ्टिंग हम करेंगे। सबसे पहले हमें निशान लगाना होता है लंबाई का, जैसा कि हमने पहले नाप लिया था लंबाई का। ऊपर से देखिए कपड़े को हमें सीधा करना होगा, तो ये देखिए इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से इसको हम इतना कट कर देंगे। अभी देखिए यहाँ से हमने इसको कट कर दिया है। अब सबसे पहला निशान लगाएंगे हम यहाँ से लंबाई का। ऊपर हमें 1 इंची की बेल्ट लगानी होती है, तो इंची टिप को हम ऊपर की तरफ निकाल के रखेंगे 1 इंची और 1/2 इंची इस तरह से रखेंगे। अभी देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे लेंथ की। तो टोटल लेंथ हमारी यहाँ पर आ रही है 38 इंची। तो यहाँ देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं इंची टिप हमारे यहाँ पर 38 इंची पर आ रहा है। ये देखिए इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अभी वैसे हमें यहाँ पर 2 इंची एक्स्ट्रा चाहिए होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर कपड़ा कम है, तो ये देखिए कपड़ा हमारे यहाँ पर फोल्ड के लिए कितना बचा है, सिर्फ 1.25 इंची आ रहा है। तो जितना बचा है हम उतना ही फोल्ड करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें नहीं है, सिर्फ टोटल ये 2 मीटर की ही यहाँ पर यह 2 मीटर में भी ये कम है हमारा 1 इंची। अगर पूरा हमारा 2 मीटर होता तो ईजिली हमारा ये बन जाता। अभी देखिए पहला निशान हमने लंबाई का निशान लगा लिया, दूसरा निशान हमारा आएगा 14 इंची पर, जो कि हमने थाई का मार्क किया था। तीसरा निशान आ जाएगा हमारा घुटने के लिए, जो कि हमने घुटने की मेजरमेंट ली थी वो। चौथा निशान हमारे यहाँ पर लंबाई का आ गया। तो देखिए 1, 2, 3, 4 चार नाप हो गए हमारे। अभी हमें लगाना है यहाँ पर कमर और हमारा हिप। तो हमें जो ये कमर होती है वो हमें नहीं लेनी होती है, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर हिप के मेजरमेंट से आपको इसके बताऊँगी कि हमें हिप में किस तरह से लेना होता है। तो अभी देखिए किस तरह से हम इसको लेंगे। हिप हमारी यहाँ पर है 40 इंची, तो देखिए 40 का हमने फोल्ड पार्ट लेना है इस तरह से 40, फिर आ गया हमारा 20 और 20 का हमारा फोल्ड पार्ट आ जाएगा 10। तो देखिए इस निशान जो हमारा ये निशान लगा हुआ है, यहाँ से हमें निशान लगाना है यहाँ पर 10 इंची पे, ठीक। ये हमारा फोल्ड पार्ट हो गया। इसके बाद में ऊपर से निशान लगाना है हमें इंची टेप को छोड़ते हुए। हिप का हमारा फोल्ड पार्ट आ गया 10 इंची, 1 इंची इंची टेप को निकाल के रखेंगे। इसके बाद में हमें इसमें 2 इंची 2.5 इंची हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हम 2.5 इंची प्लस करेंगे क्योंकि हमारा ये हैवी साइज में है, थोड़ा सा मीडियम में। इस लाइन को हम सीधा कर देंगे ऊपर तक। ये देखिए यहाँ से भी हम 2.5 इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये देखिए
अभी हमने ये ले लिया, यहां से हमें इसका हाफ लेना है इस लाइन तक, इस लाइन को छोड़ते हुए मार्किंग करनी है। यहाँ पर देखिए इस तरह से 13 आ गया, 13 का हाफ हमारा जितना भी आएगा, तो देखिए टोटल हम चेक कर लेंगे कितना है हमारा 6.5। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 6.5 की एक लाइन बना लेनी है, ये देखिए। अभी देखिए हमने पूरी लाइन बना ली है और अब हमारा यहाँ पर हिप आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारा आएगा थाई का नाप, तो मेरे मेजरमेंट में थाई यहाँ पर आ रही है 21.5। अभी देखिए 21.5 को हम इस तरह से लेंगे, इसका भी हमने फुट पार्ट लेना है। बहुत आसान तरीके से आपको मैं बता रही हूँ, कोई भी आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट जो है बिल्कुल परफेक्ट बन के आएगी। देखिए 21.5 पे लिया, यहाँ पर आ गया हमारा इस तरह से 11 के बीच में, और देखिए इस तरह से इंची टेप को यहाँ पर हमने फोल्ड कर लेना है। अभी जो फोल्डिंग वाली लाइन आई है वो हमें इस तरह से यहाँ पर रखनी है और आधा इधर की तरफ निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ तक आया और आधा निशान हमारा सेम इसी को उठा के हम इस तरह से रख देंगे इधर की साइड में, ये देखिए। तो आधा हमारा इधर आ गया और आधा हमारा इधर आ गया, तो देखिए टोटल हमारा 11 इंची आ गया। इसी तरह से हमें यहाँ पर घुटने का जो नाप है वो लगाना है, तो मेरे मेजरमेंट में घुटना आ रहा है 17 इंची। देखिए 17 का हमने हाफ करना है इस तरह से, और इस तरह से रखते हुए इसका फिर से हम हाफ करेंगे, ये देखिए। तो इस निशान को हमें यहाँ निशान से मिलाना है, आधा इधर लगाएंगे और आधा हमारा इधर की साइड आ जाएगा, ये देखिए। ठीक, हमने ले लिया। अभी हमारा मोहरी आ जाता है, तो मोहरी हमारी यहाँ पर है 6 इंची, देखिए 6 इंची, तो 6 हमारी हाफ में है, टोटल हमारी यहाँ पर ये 12 है। देखिए 12 का हाफ हमारा 6 हो गया, 6 का हाफ 3 इंची हमारा इधर जाएगा और 3 इंची हमारा इधर की साइड आएगा। इस लाइन को सीधा कर लेंगे, तो देखिए 3 इंची इधर आएगा और 3 इंची इधर। इस लाइन को थोड़ा सा तिरछा मिलाना होता है इस तरह से, क्योंकि ये हमारा तिरछी की तरफ जाता है। अभी इन निशानों को इस तरह से मिलाना है। अभी आपके पास लेग शेपर है तो आप लेग शेपर का यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो मैं भी आपको बताती हूँ किस तरह से इसको लगाना है निशान। ये देखिए इस निशान को हमें इस तरह से हल्का सा मिला देना है, इसमें इस वाले निशान को यहाँ मिलाना है, यहाँ से लेके हमें यहाँ मिलाना है, ये देखिए हल्के हल्के हाथों से हमें इस तरह से शेप देना है, अगर आपके पास लेग शेपर नहीं है तब। ये देखिए इस तरह से हमने इस पर मार्किंग कर दी, सेम इसी तरह से इधर की तरफ करना है। ये देखिए, और ऊपर की तरफ हमें इसमें हल्का सा इस तरह से गोलाई में शेप देना है। ये देखिए अभी यहाँ पर हमने शेप दे दिया है। अभी आते हैं यहाँ की साइड में, क्योंकि हमें आसन का शेप लगाना है, तो यहाँ पर हम लेंगे 1.5 इंची। कुछ लोग क्या करते हैं, आसन को यहाँ से ही बिल्कुल डाउन कर देते हैं, जब यहाँ से करते हैं तो हमारा ये खिंचाव आ जाता है, तो इसलिए ये हमारा आसन जो है खिंचेगा और टाइट हो जाएगा। लेकिन आपको कम नहीं करना है, यहाँ पर 1.5 इंची रखना है और इसको इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर इस तरह से शेप देना है यहाँ पर, ये देखिए ऊपर की साइड में हमारा यहाँ पर आ गया, ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर निशान लगाएंगे नीचे की तरफ 4 इंची पे, और दोनों साइड से आधा आधा इंची लेंगे इधर की साइड से भी, और इसको इस तरह से मिलाएंगे, ये हमारी प्लीट्स आ जाएगी यहाँ पर, ये देखिए। तो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसकी कटिंग करनी है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपके पास लेग शेपर है तो भी हमारी ये फिटिंग बिल्कुल यहाँ पर मार्किंग जो है वो कंप्लीट आएगी। ये देखिए इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, देखिए, और बिल्कुल निशान हमारा इस तरह से मिल के आया है, यहाँ देखिए इस तरह से हल्का सा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको इससे भी लगा के दिखा देती हूँ निशान,
ये देखिए बिल्कुल हमारा लेग शेपर के हिसाब से ही मिल गया है। तो यही मैंने आपको बताया, अगर आपके पास लेग शेपर नहीं है तो आप इस तरह से भी निशान लगा सकते हैं। अभी इसको हम इस तरह से पलट के रखेंगे, तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने पलट के रखा, देखिए, और यहाँ से हल्का सा हमारा ये शेप घूम के आएगा, ये देखिए। तो बिल्कुल निशान हमारे इसके ऊपर आए हैं। यहाँ से इसको हम पलट लेंगे और लेग शेपर को इस तरह से सेट करेंगे, यहाँ के बराबर से निशान लगा देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने लेग शेपर से भी आपको निशान लगा के बता दिए, तो शेप हमारा बिल्कुल इसी तरह से आया है। यहाँ से पूरे इसकी हम कटिंग कर लेंगे, तो मैं कटिंग करती हूँ फिर बताती हूँ आपको हमें बैक पार्ट पे किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमने कटिंग कर दी है, 38 इंची हमारी इसकी कमर है, 40 इंची हमारा हिप है, 21.5 हमारा इसका जो घुटना है वो है, और हमारी 6 इंची की मोहरी है। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये हमारा थाई का नाप है, ये हमारे घुटने का नाप है, ये लंबाई का नाप है, ये हमारे यहाँ पर प्लेट्स का मार्क हो गया। अभी देखिए इसको हम ले लेते हैं, और अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट के साथ साथ हमें बैक पार्ट पे किन बातों का ध्यान रखना है। अभी देखिए कपड़े को हम आगे की तरफ बढ़ा के रखेंगे, और देखिए यहाँ से हमने इसका ऊपर वाला हिस्सा निकाला था और यहाँ से निकला था हमारा पायचा। अभी इसको हम भाई पलट के रखना है, यहाँ से हमें निकालना है इसका, ये देखिए यहाँ से हमारा पायचा आएगा और यहाँ से हमारा इसका आगे वाला हिस्सा आएगा ऊपर वाला। अभी इसको हमें इस तरह से रखना है कि हमारा 2.5 से 3 इंची यहाँ पर कपड़ा बचा रहे। देखिए नीचे की साइड से मिला के इसको रखेंगे। अभी देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम कपड़े को सेट करते हैं तो नीचे की साइड से तो हमें कपड़ा बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता है, बराबर रखना होता है, जो कि हमने यहाँ पर इसको बराबर रख लिया है। अभी हमारा यहाँ पर कपड़ा कम है, अभी कपड़ा कम है क्योंकि बैक साइड में हमें यहाँ पर 1.5 से 2 इंची कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। अभी यहाँ पर नहीं है तो इसको हम बराबर इसी तरह से रख लेंगे और यहाँ पर आगे की तरफ हम कोई एक्स्ट्रा नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर कपड़ा ही कम है। कपड़ा ज़्यादा होता है यहाँ पर 2 इंची हम एक्स्ट्रा लेते। अभी चेंजेस क्या करने हैं ये आपको बताती हूँ। जो लाइन है इसको हम आगे की तरफ खींच लेंगे, ये देखिए, और इस लाइन को भी हम आगे की तरफ इस तरह से खींचेंगे, ये देखिए। यहाँ से लेंगे हम 2 से 2.5 इंची एक्स्ट्रा, ये देखिए यहाँ से भी हमें 2.5 इंची एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से भी हमें 2 से 2.5 इंची एक्स्ट्रा लेना है। इसको भी इस तरह से मिला देंगे और जिस तरह से ये निशानों को हमें तिरछा मिलाया था सेम इसी तरह से इन निशानों को भी आगे की तरफ हमें मिलाना है। देखिए इस लाइन पे और यहाँ की साइड से भी हमें आसन की मार्किंग करनी है 1.5 इंची पे। अभी तुम ये देखिए मार्किंग हमारी हो गई है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ लेग शेपर से भी अगर हम इसको शेप देंगे तो देखिए बिल्कुल बराबर हमारा यहाँ पर मिल के आ रहा है। तो मैंने लेग शेपर का यूज़ नहीं किया है, तो आप ये चीज़ मत सोचिएगा कि आपके पास लेग शेपर नहीं है तो आप इसकी कटिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ इतना ही इसमें चेंजेस करना है, बाकी यहाँ से लेके इसकी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ की साइड में बिल्कुल बराबर रहेगा हमारा, मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग यहाँ पर हो चुकी है इस तरह से, और ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हमें पॉकेट कटिंग करनी है और हमें यहाँ पर आगे की तरफ बेल्ट लगानी है, पीछे की तरफ इलास्टिक लगानी है। तो अभी मैं इसको एक साइड रख देती हूँ, इसको रखते हैं हम एक साइड और ये कपड़े से हमें पॉकेट की कटिंग करनी है। अभी देखिए पॉकेट की हमें कटिंग करनी होती है, तो पॉकेट को हम किस तरह से नापते हैं। सबसे पहले हमें नापने के लिए चाहिए होता है, देखिए ऊपर चौक मिल गई कि 1.5 इंची हम ऊपर से लेते हैं उसके लिए जॉइंट के लिए, 5.5 से 6 इंची की हम ओपनिंग रखते हैं। इसके बाद में हमें नीचे से 4 से 5 इंची चाहिए होता है, तो देखिए कुछ इस तरह से हम इसको रखते हैं।
और यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो लेते हैं पॉकेट की वो हम 6 इंची लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। नीचे की साइड से आप चाहें तो इसको गोल कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से कॉर्नर के रख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो हमारी यहाँ पर पॉकेट की कटिंग हो जाती है। तो मैं इसको सीधा ही लगाती हूँ। ये देखिए तो ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई। अभी देखिए ये जो हमारा कपड़ा बचा है इसमें से भी आप चाहें तो आगे की बेल्ट निकाल सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। बेल्ट को निकालने का तरीका सिंपल सा इतना है कि हमारे सामने की जो बेल्ट है वो 38 इंची है कमर जो है, तो 38 का हमने हाफ कर लेना है। तो देखिए 38 है, 38 का हम हाफ कर लेंगे, 19 आ गया। इसमें 1-2 इंची की हमारी प्लीट आ जाएगी तो 17 से 18 इंची हमारे यहाँ पर फैब्रिक चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 17 इंची है, इसको सीधा कर लेते हैं, यहाँ से कट कर लेंगे। और इसको हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। तो देखिए 1 इंची का हमारा इसमें पेस्टिंग आ जाएगी जो हम लगाएंगे ऊपर की तरफ से, 1 से 1.25 इंची की। और यहाँ पर हमें सिलाई का मार्जिन चाहिए होता है, टोटल हम 2 इंची इसको कट करेंगे इस तरह से रखते हुए। ये देखिए यहाँ देखिए हमने ये 2 पीस कट कर लिए हैं, एक हमारा फ्रंट का हो जाएगा, एक बैक का हो जाएगा। जितना भी कम पड़ेगा हमारे यहाँ पर 5 से 6 इंची हमारा इस तरह से कम पड़ेगा जो कि हमारा बैक में आ जाएगा, क्योंकि बैक का हमारा पार्ट है 5 इंची ज़्यादा है। तो 1 इंची हमारा सिलाई मार्जिन चला जाएगा और 5 इंची हमारा एक्स्ट्रा हो गया तो हमारी बेल्ट इसमें ज्वाइंट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर इसकी कटिंग हो चुकी है। ये फैब्रिक हमारा एक साइड रखेंगे और यह रही हमारी पॉकेट और यह है हमारा पूरा पैंट की कटिंग। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर पूरी कटिंग हो चुकी है। और अभी हाय पसीना देखिए कितना आ रहा है मुझे। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी ट्राउज़र की नाप लेके कटिंग करना बता दिया है। अभी तो मैं खाती हूँ थोड़ी सी हवा क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। कुर्ती की कटिंग करूँगी लेकिन उसके लिए पहले से थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। पसीना बहुत आ रहा है, जब जब काम का टाइम होता है तब तब लाइट नहीं आती है, ऐसा ही रहता है। अभी लाइट का इंतज़ार करेंगे तो हम काम किस टाइम पे करेंगे। और एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि मैं उनको मशीन को सेट करना बताऊं, पाइपिंग पे हमें किस तरह से सेट करनी है। तो जब भी मैं ब्लाउज सिलूंगी और उस पर पाइपिंग लगाऊंगी फिर आपको बताऊंगी कि हमें पाइपिंग जो होती है किस तरह से सेट करनी होती है मशीन को। तो अभी के लिए तो मैं हवा खा लेती हूँ। और अगर ट्राउज़र की कटिंग में और आपको मेजरमेंट में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में, वैसे तो मैंने हर एक बात आपको बताने की कोशिश की है लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। फिलहाल के लिए तो मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। चलिए लाइट आ गई, अब मैं लगाती हूँ मशीन फटाफट। गर्मी में हो गई हालत ख़राब। करते हैं हम इसकी स्टिचिंग। अभी मैं इसको सिल के तब मिलती हूँ आपसे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ देखिए हमारे ट्राउज़र बन गया, पीछे इलास्टिक डाली है मैंने और फ्रंट में इस तरह से बेल्ट आई है और ये देखिए साइड में हमारी यहाँ पर पॉकेट आ चुकी है और नीचे की साइड में मैंने साइड कट लगा के इसमें इस तरह से बटन लगा दिए हैं फैंसी। तो पूरा जो ट्राउज़र है हमारा इस तरह से बन गया है और जैसे ही बन के तैयार हुआ वैसे ही लाइट चली गई। तो लाइट का अपना ही एक नियम है कि जैसे ही गर्मी बढ़ेगी वैसे ही लाइट चली जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से रखेंगे हम इसको, इस पर प्रेस कर लेंगे तो फाइनली हमारा ये बनके तैयार हो गया है। ये देखिए साइड कट इसके किस तरह से आ रहे हैं और पॉकेट भी हमारी इसमें बहुत ही प्यारी सी बनके तैयार हुई है, काफ़ी अच्छी। देखिए मैं आपको इसमें फ़ोन रख के दिखाती हूँ।
ये देखिए कितनी गहरी हमारी पूरी पॉकेट बन के तैयार हुई है। इस तरह से देख सकते हैं, बिल्कुल भी हमारी ये दिखाई नहीं दे रही, फ़ोन तो हमारा बिल्कुल ही चुप गया है और पॉकेट हमारी यहाँ तक आई है। तो अगर आप भी इस तरह से अपने ट्राउज़र की कटिंग करते हैं तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में और फिटिंग के साथ में आएगा, बिल्कुल भी आपकी जो सिलाई खींचती है वो नहीं खींचेगी। तो अभी के लिए तो मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।